नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम घाटा कंपनी के टकीला खरपतवार नाशक हर्बिसाइड के बारे में आपको बताने वाले हैं। टकीला खरपतवार नाशक धान की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला खरपतवार नाशक है। तो आज के इस वीडियो में हम टकीला खरपतवार नाशक की ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं कि इसका डोज क्या है, प्राइस क्या है और सबसे मुख्य बात ये कौन कौन से खरपतवार को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो किसान भाई इस चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। टकीला घाटा कंपनी का एक बेहतरीन खरपतवार नाशक है। इसमें टेक्निकल या कंटेंट क्या है, तो इसमें बिस्पायरी बैग सोडियम 10% जो कि हमें एससी फॉर्म में मिलता है। एससी फॉर्म के केमिकल का लिक्विड गाढ़े सफ़ेद रंग का होता है। टकीला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक हर्बिसाइड है, मतलब यह एक साथ बहुत सारे खरपतवार को नियंत्रण कर लेता है, मतलब एक स्प्रे में बहुत सारे खरपतवार को नियंत्रण कर लेता है। जैसे कि खरपतवार का आपको नाम बता देते हैं, डीला मोथा और छतरी वाला मोथा। साथ ही सांवकी जिसे हम लाल सांवा कहते हैं और सांवक जिसे हम सफ़ेद सांवा कहते हैं। इसके साथ ही मिर्ची वाला बूटी, पानी वाला घास, कनकी खरपतवार, पीले फूल वाला बूटी आदि जैसे खरपतवार को टकीला खरपतवार नाशक बेहतरीन रूप से अच्छी तरीक़े से जड़ से नियंत्रण कर लेता है। टकीला खरपतवार नाशक का उपयोग या प्रयोग किसान भाई किस प्रकार से करें, तो टकीला का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि अधिकांश खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो। यह अवस्था धान की बुआई या रोपाई के 15 से 20 दिनों बाद आती है। इस तरह किसान को छिड़काव के लिए व्यापक समय मिल जाता है जो कि पारंपरिक खरपतवार नाशकों में नहीं मिल पाता। और किसान भाई इसी समय इस खरपतवार टकीला खरपतवार नाशक का प्रयोग करें जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो। टकीला खरपतवार के प्रयोग से धान की फसल पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। यह धान के मुख्य खरपतवारों का चुन चुन कर सफाया करता है। वहीं टकीला के रेन फास्टनेस की बात करें तो टकीला मात्र 5 से 6 घंटों में पौधे में समा जाता है। इसके बाद बारिश भी हो जाएगा तो कार्य क्षमता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता, मतलब इसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह टकीला खरपतवार नाशक का रेन फास्टनेस 5 से 6 घंटे का है। वहीं टकीला खरपतवार नाशक के डोज की बात करें तो इसकी डोज है 120 से 150 ml प्रति एक एकड़ के दर से। आप उसे 180 लीटर हो चाहे 200 लीटर पानी हो। और प्रति टैंक की बात करें तो 15 लीटर वाला जो टैंक आता है उसमें 15 ml टकीला खरपतवार नाशक का उपयोग करके अपनी फसलों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। वहीं टकीला की प्राइस की बात करें तो इसका 1 लीटर का प्राइस आपको मार्केट में 3,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। कुछ एरिया में इसका प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ एरिया में इसका प्राइस कम भी हो सकता है। टकीला खरपतवार नाशक के प्रयोग विधि व सावधानी। पहला, धान के खेत में खड़े पानी को बाहर निकाल लें ताकि टकीला का छिड़काव प्रभावी ढंग से खरपतवार पर हो सके। टकीला की बोतल को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं ताकि उसमें जो केमिकल है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। दूसरा, टकीला का छिड़काव करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि खेत का कोई भी भाग छिड़काव से छूट न जाए। टकीला का छिड़काव केवल कट नोजल या फ्लैट नोजल के साथ ही करें ताकि खरपतवार पे अच्छी तरीके से स्प्रे हो सके। टकीला खरपतवार के प्रयोग या छिड़काव करने के बाद 2 से 3 दिन बाद दोबारा खेत में जल भराव कर लें। लगभग 5 से 6 दिन तक 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खेत पे खड़े रहने दे ताकि वो जो खरपतवार है वो सड़ जाए, गल जाए और जल के मर जाए।
घर्डा कंपनी के टकीला खरपतवार नाशक की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।